अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इट्स योर मैथ पीरियड। ओपन योर मैथ बुक पेज 70। ओके, टुडे वी डू मल्टीप्लिकेशन 10 and 1s। आपको पता है ना 1 and 10 का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को पता है 10s क्या होते हैं एंड 1s क्या होते हैं। ओके, टुडे वी रीड अ स्टोरी अबाउट आदिल। देयर आर 12 डोर्स एंड ईच क्लॉक। आप लोगों को पता है ना हर क्लॉक के अंदर 12 डॉट्स होते हैं। चलिए हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें भी 12 हैं, इसमें भी 12 हैं और इन सब में 12 है। 4 क्लॉक्स हैं और सब में कितने हैं, 12 हैं। ओके, आदिल कैन ऐड 12 डॉट्स 12 डॉट्स 12 डॉट्स। तो वो टोटल कितने हो रहे हैं, उसने सब डॉट्स को जब काउंट किया तो वो हो रहे हैं 48। कितने डॉट्स हो रहे हैं, 48। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द डॉट्स, उसने कहा मैं अब क्या डॉट्स काउंट करता रहूँ। आदिल वांट टू मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। आदिल ने सोचा कि क्यों ना मैं मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले लूँ। ही राइट लाइक दिस। स्टेप वन में आदिल ने क्या किया, फर्स्ट ही मल्टीप्लाइज 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो सही में था उसने 12 से ना डॉट्स हर में, और हमारे पास क्लॉक्स कितनी थी, 4 क्लॉक्स थी, तो उसने 12 ऊपर रखा और 4 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट स्टेप में उसने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, अब उसने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। पहले उसने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर दूसरे स्टेप में उसने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, तो इसी से 4 2s are 8 और 4 1s are 4, तो उसका क्या आंसर आ गया, 48। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन इज सिंपल एंड क्यू, बट यू मस्ट नो योर टेबल्स। इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको पहले भी बताती हूँ मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है, लेकिन फर्स्ट आपको टेबल्स आने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के अभी भी टेबल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पहले अपने टेबल्स रिवाइज करें। ओके, तो फॉलो आदिल स्टेप्स एंड कम्प्लीट दीज। आप लोगों ने आदिल के स्टेप्स को फॉलो करने और ये क्वेश्चन सेम इसी तरह करने हैं। अब आपने फर्स्ट पहले करना है 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 1s are 6, एंड 6 को फिर इस 1 से करना है, पहले 1 से उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास होगी। पहले आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर देन उसी को उसी वैल्यू को नीचे वैल्यू को फिर 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। 6 1s are 6 and 6 1s are 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 66। अब आपने 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 2 3s are 6, 2 1s are 2 1s are 1, क्या आएगा, 1 2s are 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26। 3 2s are 6 and 2 1s are 2। नेक्स्ट है 1 3s are 3 3 2s are 6। इट्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। 3 2s are 6 3 3s are 9, वेरी गुड। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि ज़ीरो को जिस रो, ज़ीरो ऐसी प्रॉपर्टी होती है हम उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो 8 0s are 0 0 2s are 0, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा। 2 1s are 2 2 4s are 8 48। ओके 3 2s are 6 2 2s are 4। ओके, अब फिर ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो को जो भी 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ज़ीरो ही रहती है। 3 0s are 0 3 2s are 6। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेट लगानी है, मेंटेन करके प्रॉपरली अपनी बुक पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।